रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हेलो देखिए, अब 7:05 हो गए हैं, तो मैं आप सबके बीच जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा कमल सिंह सर को। तालियां जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। देखिए, सबसे पहले आप सभी को थैंक्स। और जैसे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन की बात करूं, नाम कमल सिंह, बाय प्रोफेशन टीचर रहा हूं, अभी फुल टाइम वेस्टीज कर रहा हूं जनवरी 2019 से। और आप सभी के बीच मौका मिला है आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको होस्ट करने का, आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने का जिसके बारे में कई बार लोगों को लगता है कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आज आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो रियली में पॉसिबल है बिकॉज ऑफ वेस्टीज प्रोडक्ट्स। देखिए, अभी हम आपके साथ कुछ लीडर्स को बुलाएंगे जो आपके साथ में हैं, कुछ लोग अभी कनेक्ट होने वाले हैं, हो सकता है वो बहुत जल्द आपके साथ कनेक्ट होंगे। और हमारे पास ऑलरेडी इतने रिजल्ट्स आ चुके हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने शेड्यूल करें। और आई थिंक ये हमारा फर्स्ट इस तरीके का शेड्यूल है जिसमें हम अपनी टीम के जो रिजल्ट्स हैं वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। कुछ लोग अभी ड्यूटी की वजह से या किसी व्यस्तता की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका भी टेस्टिमोनियल आपको बताया जाएगा विद डिटेल कि हमारे किस बिजनेस पार्टनर के साथी हैं, चाहे भाई हैं, बहन हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, कि उनको क्या रिजल्ट्स हैं। देखिए, पहली चीज मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि अभी पूरे हम जिसको इनवाइट करेंगे वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, आप सभी उसको सुनिएगा। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम आपके किसी जानकार को है या आपके किसी फैमिली मेंबर को है, तो आप उसको बाद में हमसे शेयर कीजिएगा। आई ट्राई कि 100% वो फिट हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में उषा सैनी जी, गोल डायरेक्टर, वो अपना माइक ऑन करें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम। देखिए, अगर मैं बात करूं, उषा जी ने एज ए यूजर शुरू किया था और जब मैंने सजेस्ट किया था तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ आप करते हैं तो अपने भाई बहन पेरेंट्स से आप पूछते हैं। और किसी भी चीज़ के बारे में अगर किसी को नॉलेज ना हो तो कहीं ना कहीं उसका जो सजेशन आता है वो नो आता है। वही चीज़ उषा जी के केस में भी हुई, उन्होंने घर पे पूछा, जवाब नो आया। लेकिन क्योंकि हमें इसके बारे में पता था, जैसे हम CNTs में आपको बताते हैं कि अगर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंगे तो आपको मिलेगा यस, और अगर आप ऐसे शख्स की सलाह लेंगे जिसको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो ज़्यादातर चांस है कि आंसर आएगा नो। इन्होंने एज ए यूजर शुरू किया, हमने सजेशन किया कि आप हम पे बिलीव कीजिए बिकॉज हम इसको यूज करते हैं। इन्होंने यूज करना शुरू किया, शुरू में थोड़ा थोड़ा ट्राई हुआ, उसके बाद पूरी शॉप चेंज हुई, सामान घर पे सभी को अच्छा लगना शुरू हुआ। और फिर पता चला कि क्योंकि नॉर्मली हर घर में किसी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से चीज़ें देनी शुरू की और इनके पास काफ़ी रिजल्ट्स हैं। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि उषा जी खुद आप एक्सप्लेन करें। यस उषा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि सर ने बताया, नाम उषा सैनी है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मेरा अभी वेस्टीज में गोल डायरेक्टर का लेवल है। जैसे सर ने बताया कि मैंने एज ए यूजर स्टार्ट किया था और अभी मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रही हूँ, और मैं आज आपके साथ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूंगी, और जो भी हमारे वेस्टीज के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको यूज करके क्या रिजल्ट आए और क्या हेल्थ जो प्रॉब्लम थी हमारी फैमिली में वो ठीक हुई है, उसके बारे में बताऊंगी आप सभी को। अगर मैं बात करूं तो मैं वेस्टीज में आने से पहले बहुत बीमार रहती थी। मंथली मुझे फीवर हो आता था और मंथ में एक बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था।
लेकिन जब मैं सर के यहाँ कंप्यूटर सीखने आई थी तो मैंने सर से यही बोला था कि सर मैं अक्टूबर मंथ में 1 या 1.5 महीने की छुट्टी पे रहूंगी, तो सर ने बोला था ऐसा क्यों? मैंने कहा मुझे हर बार टाइफाइड हो आता है और उसकी वजह से मुझे 1-1.5 महीने बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं छुट्टी पे रहूंगी। तो फिर सर ने मुझे सजेस्ट किए थे वेस्टीज के सप्लीमेंट, लेकिन उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, फिर मैंने 1-2 बार तो इग्नोर किया कि इन मतलब डॉक्टर की दवाई ले रही हूँ उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हर बार टाइफाइड हो आता है तो इनसे क्या होगा। फिर मैंने सर के कहने पे यूज किया सप्लीमेंट, तो मैं जो हर मंथ बीमार हुआ आती थी वो ठीक हो गया, फीवर नहीं हुआ। उसके बाद जब जब टाइफाइड के लिए भी मैंने लिए यहाँ के सप्लीमेंट्स, जैसे कोलोस्ट्रोम है, स्पायलिना, गैनोडर्मा, नोनी और उसी के साथ साथ प्रोटीन लिया, तो बाद में मुझे जो हर साल टाइफाइड होता था वो नहीं हुआ। और घर में भी बताया तो घर वालों को भी काफी अच्छा लगा कि हाँ जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, हर बार प्रॉब्लम हो रही थी, वो विस्टीज के सप्लीमेंट्स से ठीक हो गई। उसके बाद में जब मैंने कंप्यूटर मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने वहाँ एज ए टीचर ज्वाइन किया था, तो मैं स्पेक्स पहनती थी, तो सर ने फिर ये बोला कि यहाँ पे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं तो आप अपने स्पेक्स भी हटा सकते हो। तो फिर मैं, क्योंकि सब ने ये बोला था कि एक बार स्पेक्स लगने के बाद में हटते नहीं है, नंबर बढ़ते जाते हैं, तो मैंने भी सर से ये बोला कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। आपने उसके लिए भी करे हैं टाइफाइड के लिए तो वो भी ठीक हुआ है। फिर मैंने यहाँ स्पेक्स के लिए मैंने यूज किए यहाँ पे 4 प्रोडक्ट, तो उससे स्पैडलिना, फ्लैक्स ऑयल, आंवला और आई सपोर्ट मैंने यूज किया यहाँ का। तो जब मैंने रेगुलर 4 मंथ यूज किया तो आफ्टर 4 मंथ मेरे जो स्पेक्स के ग्लास थे उसके ग्लास चेंज हुए। 4 मंथ बाद में ये हुआ कि जब मैं स्पेक्स पहन के कंप्यूटर पे वर्क करती थी तो मुझे हेडेक होने लगा। फिर मैंने सर को बोला कि मुझे तो स्पेक्स से भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सर ने बोला कि अभी आपका शायद नंबर कम हुआ है। तो जब चेक करवाया तो पता चला कि हाँ स्पेक्स का नंबर कम हुआ है और ग्लास चेंज हुए। और फिर आफ्टर 4 मंथ मैंने 8 से 9 महीने यूज किए थे तो मेरा जो स्पेक्स की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे आधा घंटे या फिर भी काम नहीं कर पाती थी विदाउट स्पेक्स, तो उसके बाद में की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। 8 से 9 महीने मैंने सप्लीमेंट्स यूज किए थे। और मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी अपने स्पेक्स का जो फोटो है। जैसे कि स्क्रीन आ रही है? हाँ स्क्रीन आ रही है आपकी, लेकिन अभी आपका अभी आपका वॉलपेपर शो हो रहा है। यस आ रही है। ओके सर, थैंक यू। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्टिंग का फोटो है, तो अभी प्रॉपर तरह से मैं स्पेक्स यूज नहीं कर रही हूँ, और जो भी मतलब स्पेक्स पहने कोई भी दिखता है तो उन्हें भी मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप भी यूज कीजिए यहाँ के सप्लीमेंट्स और रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर जब मेरे 2 रिजल्ट आए, टाइफाइड ठीक हुआ और स्पेक्स उतर गए, तो घर वालों को बिलीव हुआ थोड़ा। फिर वेस्टीज में वो भी एक्टिव हुए और मैं भी एक्टिवली काम करने लगी। पहले मैं एज ए यूजर बस प्रोडक्ट यूज करती थी। फिर जब लास्ट टाइम हम नवंबर में प्लान करवाने के लिए राजस्थान गई तो वहाँ पे मेरी जो दादी है उन्होंने भी मुझे बोला, क्योंकि टाइफाइड की वजह से मेरा वेट थोड़ा कम हो गया था, लेकिन यहाँ तो सब ने नोटिस नहीं किया इतना, क्योंकि सिटीज में तो सबको पता है कि स्लिम रहना पसंद है सबको, लेकिन गांव में होता है कि गांव में जो दादा दादी सब होते हैं उनको अपने बच्चे हेल्दी से अच्छे लगते हैं। तो सब ने बोला कि बेटा क्या आप वेट बहुत कम हो रहा है, कुछ खाया पिया करो। तो मुझे भी थोड़ा एम्बेरस सा फील हुआ, तो मैंने फिर उसी को अपना टारगेट बनाया और यहाँ के जो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स हैं उनसे मैंने अपना वेट भी इंक्रीज किया। पहले स्टार्टिंग में मैंने 3-4 सप्लीमेंट्स प्रोटीन यूज किया, उनसे कुछ खास रिजल्ट नहीं आया 1-2 महीने। फिर मैंने 2 सप्लीमेंट्स और स्टार्ट किए तो उनसे फिर बहुत जल्दी रिजल्ट आया। तो आप फोटो में देख सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले मेरा 1 साल पहले का फोटो है 11 अगस्त 2019 का, तो उसमें मेरा वेट 44 kg था। उसके बाद में जब मैंने सप्लीमेंट्स रेगुलर स्टार्ट किए तो वेट इंक्रीज हुआ, 49 हुआ।
6 जून 2020 की फोटो है। और अभी करंट टाइम में मेरा जो वेट है वो 53 केजी है और मैं विस्टिज के सप्लीमेंट्स यूज कर रही हूँ रेगुलर और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये तीनों जो भी वेट इंक्रीज हुए उनकी फोटो है। जब प्रॉब्लम बड़ी होती है तो उसके लिए थोड़े हमें सप्लीमेंट्स भी चेंज करने होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने 4 चीजें ली थी, फिर मैंने 2 चीजें और चेंज करी। स्टार्टिंग में मैंने स्पायलिना, नोनी, कोलेस्ट्रोम और गैनोड्रोमा लिया था, उसी के साथ बाद में मैंने चॉकलेट प्रोटीन और जो कॉम्बायटिक और फ्लैक्सो ऑयल और स्टार्ट किया, तो उनसे बहुत जल्दी रिजल्ट आया। और एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उनके साथ एक दो स्पेशल एक्सरसाइज होती है जो करनी पड़ती है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो सप्लीमेंट्स का बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा जैसा हम चाहते हैं। और अगर नॉर्मल और कोई ये सोचता है कि ओनली एक्सरसाइज करने से वो होगा, तो उससे नहीं होगा जब तक हम सप्लीमेंट्स यूज नहीं करेंगे। तो आपको सप्लीमेंट्स के साथ में एक्सरसाइज भी करनी है जल्दी रिजल्ट आने के लिए। मैंने भी वही रूटीन फॉलो किया 3 मंथ और बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। उसी के साथ साथ हमारी फैमिली में और भी काफी रिजल्ट हैं वेस्टिज के सप्लीमेंट से। फर्स्टली मैं बताना चाहूंगी, मेरी जो दादी जी है उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी 10-12 साल से, तो बहुत वो पेन किलर लेती थी। तो मैंने यहाँ के लिए बोला तो उन्होंने 2-3 महीने तो यूज ही नहीं किए। उन्होंने बोला बेटा इतनी दवाई ले ली, उनसे जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हारी इन दवाइयों से क्या होगा, मैंने तो इतनी महंगी महंगी दवाई ली है। तो मैंने फिर उनको बोला एक बार यूज तो करो। जब उन्होंने 8 मंथ रेगुलर यूज किया यहाँ का ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और कोलाजन, तो उनको बहुत 1.5 महीने उन्होंने लिया फिर छोड़ दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हाँ आराम पड़ रहा है तो फिर से उन्होंने स्टार्ट किया और अभी वो पूरी तरह से ठीक है। फिर उनके जॉइंट्स पेन में थोड़ा सूजन भी था, तो मैंने जो यहाँ की क्रील ऑयल उनको यूज करवाया है, तो क्रील ऑयल यूज करने के बाद में उनका सूजन भी ठीक है और जॉइंट्स पेन का दर्द भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे जो दादाजी हैं उनको अस्थमा प्रॉब्लम है। ये उनका ये था कि 15 दिन में 2-3 इनहेलर यूज करते थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने यहाँ का जो नोनी और रेस्पोकेयर है वो यूज करवाए हैं 6 मंथ, तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि पहले वो थोड़ी दूरी पैदल नहीं चल पाते थे, अभी ये होता है कि वो 2-3 किलोमीटर भी पैदल चल लेते हैं, लेकिन सांस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती है, अभी बिल्कुल नॉर्मल है उनका। ऐसे ही मैं अपने पापा का बताऊँ तो मेरे पापा को भी यहाँ के प्रोडक्ट से 2 रिजल्ट आए हैं। पहले तो उनका 3-4 साल से उनको डायबिटीज है और ये उनका डायबिटीज 300-400 प्लस रहता था, लेकिन मैंने यहाँ के सप्लीमेंट्स यूज करवाए तो अभी उनका डायबिटीज नॉर्मल रहता है। 1 से 1.5 साल हो गया उन्हें चेक करवाई डायबिटीज कितना है, क्योंकि इतना उन्हें फील भी नहीं होता है। और जैसे कि डायबिटीज बढ़ने से पहले तो उन्हें अपने आप ही बॉडी में फील हुआ था थकान वगैरह, तो मैंने यहाँ के जब से प्रोडक्ट यूज करे हैं तो अभी एकदम फिट है। वो खुद भी बोलते हैं कि अभी सुबह टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि नहीं बढ़ रहा है। मैंने उनको यहाँ पे नीम, ग्लूको हेल्थ, स्पायलिना, नोनी और उनका वेट जो ना 10-15 केजी कम हो गया था, क्योंकि डायबिटीज में वेट कम हो जाता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ का प्रोटीन भी दिया है। और अभी पापा प्रोटीन तो रेगुलर कर रहे हैं, स्पायलिना रेगुलर ले रहे हैं, लेकिन ग्लूको हेल्थ वगैरह नहीं ले रहे, क्योंकि वो जब ज्यादा शुगर होता है 400-500 तब दिया जाता है, तो अभी वो बिल्कुल ठीक है पूरी तरह से। और उसी के साथ साथ उनको स्टोन बन गया था, 5-7 साल पहले भी उनको स्टोन बना था, तो तब तो वो कहीं से आयुर्वेदिक दवाई ली थी तो सही हो गया एक बार, तो लेकिन अभी फिर से उनको स्टोन बन गया था। तो मैंने सजेस्ट किया कि पापा आप यहाँ के सप्लीमेंट्स यूज कीजिए, तो पापा ने फिर यहाँ के सप्लीमेंट्स यूज किए, तो 10 से 15 दिन में उनका जो स्टोन था वो निकल गया था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। पहले पापा का ये था कि मुझे वेस्टिज में सपोर्ट नहीं करते थे वो बिल्कुल भी, लेकिन जब से उनका स्टोन निकला तो उन्हें इतना बिलीव हो गया कि अब वो मेरे साथ फुली सपोर्ट करते हैं वेस्टीज का। ट्रेनिंग्स मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं और काफी नॉलेज ले रहे हैं उसके बारे में जितना मिले। मैंने पापा को स्टोन के लिए गैनोड्रमा, फ्लैक्स ऑयल और किडनी हेल्थ दिया था, अभी उन्होंने 3 मंथ से यूज किया ताकि दोबारा उनको स्टोन ना बने 5-10 साल, तो अभी वो प्रॉपर ठीक है। और मैं और भी मैं बात करूँ तो हमारी फैमिली में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं वेस्टिज के सप्लीमेंट्स के। मेरी मम्मी जैसे हार्ट का ऑपरेशन हो रखा उनका, तो उनको ये था कि सब्जी वगैरह अगर वो खाते थे उनसे गैस प्रॉब्लम हो आती थी, लेकिन जब से यहाँ का राइस ब्रैन ऑयल यूज करने लगे हैं तो वो प्रॉपर सब खाती है, सब्जी वगैरह सब ट्राई किया हुआ, लेकिन उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है।
और अभी वो रिसेंटली मेटामाइंड यूज करी है, तो उसका बहुत बहुत रिजल्ट है, क्योंकि उनको पैरालाइज अटैक पड़ गया था, तो उसकी वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, याद नहीं रहता था, बहुत जल्दी भूल जाती थी। तो अभी मेटामाइंड ले रही है, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने, क्योंकि जब मैंने घर पे तो बताया भी नहीं था पापा को कि हम ये दे रहे हैं, लेकिन पापा ने खुद ही नोटिस किया कि हाँ बेटा तेरी मम्मी आजकल क्या खा रही है, मतलब जैसे कि उनका याद ज्यादा रहता है ये सब देख के। तो मैंने बताया कि ये चीज दे रहे हैं, अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा है। तो काफी अच्छा रिजल्ट है मेटामाइंड का। मैं तो सभी को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब भी यूज कीजिए, क्योंकि वो सभी के लिए कंपल्सरी है, सभी को यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए आप सभी को हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये चीजें ऐसी बोली जा रही है, हमने इसलिए डिटेल में आपको बताया कि आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स। अभी मैं आप लोगों के सामने एक और नेक्स्ट शेयर करना चाहूंगा। अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि जी पतले लोगों को आप मोटे कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हेल्दी है, कोई फिट रहना चाहता है, तो वो क्या करे, तो उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। हमारे नेक्स्ट हैं लीडर पूजा सैनी जी, जिनका ब्रांच डायरेक्टर का लेवल है, और वो अपना माइक ऑन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। सर वन सेकंड जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पूजा सैनी है, राजस्थान टोंक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। वेस्टिज की बात करो तो वेस्टिज को ज्वाइन करे मुझे 1 ईयर हो गया है। मेरी ग्रेट अपलाइन उषा मैम के थ्रू मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया। इन्होंने मुझे वेस्टिज के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए जो फैमिली में डेली यूज में होते हैं, जैसे कि पेस्ट है, चाय, साबुन, कुकिंग ऑयल, शैम्पू, हेयर ऑयल, जैसे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज किए। जब मैंने उनको यूज किया तो मुझे काफी इम्प्रूवमेंट लगा, जैसे है ना शैम्पू यूज किया तो मेरे हेयर्स में काफी इम्प्रूवमेंट लगा, ऐसे मैंने कई प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट लगा मैंने यूज किया तो। फिर मैंने उस समय हमसे बोला कि मुझे भी अपनी आईडी लगानी है और ज्वाइन करना है इसे वेस्टिज को, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने एज ए यूजर वेस्टिज को ज्वाइन किया। मुझे जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ पे सप्लीमेंट्स के बारे में भी पता चला, और यहाँ के सप्लीमेंट्स यहाँ पे अच्छे सप्लीमेंट्स भी हेल्थ के लिए, तो मैंने सप्लीमेंट्स भी यूज किए, जैसे इम्यूनिटी बूस्ट के सप्लीमेंट्स मैंने फर्स्टली यूज किए, जैसे कि आपकी स्पिरुलिना है, आंवला है, कोलेस्ट्रॉल है, नोनी है, एलोवेरा है। अगर मैं इनके यूज प्रॉफिट बताऊं तो मैंने जब इनको यूज किया तो मुझे काफी अच्छा बदलाव लगा, अच्छा है ना इम्प्रूवमेंट लगा अपने आप में। मैं पहले एक्टिव नहीं थी, बहुत ज्यादा लेजी ऐसे कुछ टाइप की थी, खुद में मेरे में एनर्जी ऐसे एक्टिव होने लगी, एनर्जी अच्छी आने लगी, जैसे मैं वीकनेस की होती थी पहले ज्यादा, तो अब वो वीकनेस नहीं होने लगी। फिर मैंने तो मैंने और जैसे मैं पहले ओल्ड टाइम जैसे वो टाइम में जैसे बीमार वगैरह हो जाती थी, वो कम बीमार होने लगी, तो मैंने उस समय से मैंने ये बात डिस्कस की। तो उन्होंने फिर मैंने उनसे पूछा कि जैसे कि अभी मैंने आपकी ये सप्लीमेंट्स यूज किए इम्यूनिटी सिस्टम वाले, इम्यूनिटी बूस्ट वाले, तो मुझे काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट लगा। तो मैं जैसे मैं अपनी हेल्थ को कम करना चाहती हूँ, काफ़ी हेल्थी हूँ, तो मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ यहाँ काफ़ी अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो वेट लॉस करने के लिए भी हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी, और मैंने ना उनका एडवाइस से अपने काफ़ी अच्छे सप्लीमेंट यूज किए। मैंने उसमें फाइबर यूज किया, वेस्लिन टी यूज किया, ग्रीन टी है ये जो काफी अच्छी फ्लेवर में ये यूज की मैंने, वेस्लिम कैप्सूल यूज किए और वेस्लिम शेक यूज किया। तब मैंने इनका यूज किया तो 4 मंथ में मेरे को काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट लगा इसमें वेट लॉस में। अगर मैं बात करूँ पहले मैंने यूज किया तो फर्स्ट मंथ की बात करूँ मैं, आप फर्स्ट मंथ का बताना चाहूंगी, तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ऐसे ओनली 1 kg ही वेट लॉस हुआ। तो मैंने फिर सर से और मैम से डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि ना ओनली ना प्रोडक्ट्स यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको इसके साथ थोड़ी आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर मैंने उनके सजेशन से ना वर्कआउट करना स्टार्ट किया थोड़ा इन प्रोडक्ट्स के साथ, तो मुझे काफ़ी अच्छा
अच्छा इम्प्रूवमेंट लगा, जैसे कि आप ये स्लाइड पे देख रहे हैं, जब मैं प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती थी तो मेरे पे मेरा वेट था 62 केजी वेट था, 2 जुलाई 2019 की फोटोज है। उसके बाद जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया और ना मैंने ना क्या नाम वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो मेरा 5 केजी वेट कम हुआ। ये 3 मई 2020 की फोटो है, 57 केजी हुआ, यानी 5 केजी वेट मेरा कम हुआ। अगर फिर उसके बाद मेरे अभी 4 मंथ में कंटिन्यू यूज कर रही हूँ प्रोडक्ट और अब आज प्रेजेंट टाइम का रिजल्ट है मेरा 52 केजी वेट है, यानी ये 10 जुलाई 2020 की फोटो है जिससे कि आप देख सकते हैं मेरा 52 केजी वेट लॉस हुआ है। और ना जो मैंने आप जैसे कि फोटोज में देख रहे हैं काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा मैंने और काफी अच्छे सप्लीमेंट्स जो बिलीवेबल है जैसे कि आप देख सकते हैं। माल आप सोच रहे होंगे, आप सोचते हैं जैसे कि ना प्रोडक्ट्स यूज कर ले और थोड़ा प्रोडक्ट्स यूज करने से हमारा क्या ना वेट कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब मैंने प्रोडक्ट्स के साथ थोड़े एक्सरसाइज की तो काफी अच्छा रिजल्ट देखा मैंने और मैंने यहाँ पे 10 केजी वेट लॉस किया। इसी के साथ अगर मैं बात करना चाहूंगी जैसे कि मेटामाइंड की, अगर मैं मेटामाइंड की बात करूँ, हमारे मेटामाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो उसकी बात करूँ, तो पहले जैसे मेरी अगर मेटामाइंड जैसे अभी लॉन्च हुआ, मैंने अब स्टार्ट किया मेटामाइंड को लेना, तो इससे इसमें मैंने देखा कि इससे ना एकाग्रता मेरी एकाग्रता अच्छी हुई किसी चीज को, जैसे मैं ज्यादा ध्यान नहीं लगाती थी कोई भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी तो ना अब मैं उन पर इससे ध्यान लगाने लगी, मेमोरी बढ़ने लगी, जैसे मैं कोई भी चीज लेके रख कर भूल जाना या फिर कोई भी चीज को याद नहीं रहना ये सब होता था, तो अब वैसा कुछ नहीं होता। काफी अच्छी मेमोरी पावर देखी मैंने, यानी काफी अच्छे सप्लीमेंट से मैंने ये रिजल्ट देखे वेस्टीज के, एज ए यूजर ज्वाइन किया था और आज इसे फुल टाइम कर रही हूँ, काफी अच्छे सप्लीमेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच पूजा जी। देखिए जैसे अभी यहाँ पे काफी ऐसे रिजल्ट्स हैं और काफी और भी सेट्स हमारे पास है, तो मैं आप सभी को एक चीज बोलूंगा जो कंपनी आपको बोलती है, यहाँ पे एक चीज बोली जाती है हमेशा कि हमें यहाँ पे साथ काम करने होते हैं, सॉरी, जिसमें फर्स्ट होता है यूज द प्रोडक्ट, सेकंड होता है शेयर द प्रोडक्ट। तो अगर हम इन दोनों चीजों पर अगर हम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए जो रिजल्ट अभी आपके सामने थे वो कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं कि अगर आप खुद यूज करेंगे, कई बार क्या होता है लोग बिजनेस को शुरू करते हैं और फिर वो कुछ प्रोडक्ट तो यूज करते नहीं है लेकिन वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, और जब कोई सामने वाला बोलता है कि अच्छा इस प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो बोलते हैं कि है, और मान लीजिए उसने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और उसने बोला 10 दिन बाद 15 दिन बाद 1 महीने बाद कि जी मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा या मुझे कोई साइड इफेक्ट आ गया है, तो क्योंकि जिस इंसान ने यूज नहीं किया हुआ है तो वो उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और वो मन मन में सोचता है कि चलिए अच्छा है मैंने यूज नहीं किया, नहीं तो हो सकता है साइड इफेक्ट मुझे भी आ जाता। अब अगर मैं बात करूँ आप सभी की, देखिए आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी, ये जो इन्होंने रिजल्ट दिए इन्हें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे आप देखें इन्होंने जो फर्स्ट फोटो लगाया हुआ है वो करीब 1 साल पुराना है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने 1 साल पहले शुरू किया था। जबकि हम ज्यादातर लोगों को सभी को बोलते हैं जिस दिन आप कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, मान लीजिए कोई शख्स है वो अपना आईज के लिए यूज करना चाहते हैं, तो जिस दिन वो यूज करे उस दिन वो अपना जो उसका नंबर है वो उसका नोट कर ले किसी जगह, और फिर 1, 2, 3 महीने बाद यानी 3 महीने बाद फिर उसका अपना चेक कराए और फिर उसका नंबर आप नोट करें। या अगर आपको फैट कम करना है तो जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं उस दिन आप अपना वेट कीजिए और एक फोटो अपना क्लिक कर लीजिए, फिर आप 1 या 2 महीने बाद फिर आप अपना वेट कीजिए और फिर फोटो क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है। अब यहाँ ये फोटो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा कम बिलीव होता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ऑब्वियस सी बात है आपने फोटोज में भी देखा होगा। और अभी अगर मैं बात करूं, चाहे पूजा जी हैं, उषा जी हैं, अगर उषा के जो पापा हैं अशोक जी, वो अभी अगर मैं बात करूं तो पार्ट टाइम वो वेस्टीज को करते हैं अपनी कंपनी में, वो लोगों को बताते हैं, उनके साथ लोग काफ़ी एज ए यूजर ज्वाइन हो चुके हैं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं अगर हम खुद हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो वो रिजल्ट हमें आता है और दिखता सभी को। जैसे अगर मैं अशोक जी की बात करूं तो उनको जैसे अभी उषा ने बताया कि उनको क्या था कि जब वो
डायबिटीज हो गया था, तो उनकी हेल्थ बहुत वीक हो गई थी, वो पतले होते जा रहे थे, सूख रहे थे जैसे बोला जाता है। जब यहाँ के प्रोडक्ट यूज किए गए तो उनकी हेल्थ थोड़ी सी सुधरी। और जब किसी को पता चलता है, मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे अशोक जी को डायबिटीज थी, तो जब किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे उस तरीके के लोग मिलने शुरू हो जाते हैं और वो आपस में ये जरूर शेयर करते हैं, भाई अगर कहीं से आपको कुछ पता चले आप हमें भी बताइएगा। तो कहीं ना कहीं जब उनमें इम्प्रूवमेंट आया तो साथ के लोगों ने ऑटोमेटिक पूछना शुरू किया कि भाई आपने कहाँ से दवाई ली, आपने क्या किया। तो उन्होंने इतना बोला कि मेरी बिटिया जो है उनको किसी ने सजेस्ट किया था और उन्होंने मुझे दिया और मैं अभी फिट हूँ। अभी अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं बहुत बार मिलता रहता हूँ, तो एक बार उषा जी के पापा एक अपने फ्रेंड का प्लान कराने लेके गए थे हमें, और मुझे याद है कि जब वहाँ गए थे तो उनके यहाँ पे कोई शादी थी 2-4 दिन पहले, तो वो लड्डू ले आए थे, तो अशोक जी ने लिया और एक लड्डू उन्होंने खा लिया। मैंने कहा सर शुगर कह रहे अब तो इतना अच्छा हो गया है, मैं एक दो लड्डू खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो शुगर लेवल है एकदम नॉर्मल चल रहा है और मैं फिट हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जबकि वो खुद अवॉइड करते हैं शुगर, कहीं भी मीठा खाना, लेकिन अभी उनकी ये स्थिति है कि वो मीठा खा लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उन्होंने नॉर्मली जैसे क्या होता है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे बिजनेस में आते हैं सबसे पहले वो पूछते हैं कि मिनिमम कितना खरीदना है, और फिर खुद तो हेल्थ सप्लीमेंट यूज करते नहीं है, दूसरों को सजेस्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे पूछेंगे और जो चीज आप बोलेंगे वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको भी रिजल्ट आएगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों को बताएंगे। आज सर का 8% का लेवल है, कंसिस्टेंसी चलती है सर की, हर महीने 100 PV कम से कम वो पर्सनल वो सेल कर देते हैं, और कम से कम मान लीजिए जिनको इस मंथ उन्होंने सेल किया अगले महीने वो लोग ऑटोमेटिकली अपनी ID भी लगवा लेते हैं और 100, 150 या 200 PV वो लोग करते हैं। होपफुली उनका अभी 10% का लेवल होने वाला है शायद 2-3 दिन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान फुल टाइम अपनी जॉब को कर रहा है, सिर्फ उसने अपनी हेल्थ से रिलेटेड सॉल्यूशन लिया और आज स्थिति ये है कि ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस चलना शुरू हो गया है, लोग ऑटोमेटिकली यूज कर रहे हैं और आगे उसको परस्यू कर रहे हैं। तो ये ऐसे रिजल्ट्स हैं सभी के। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी अपना फैट कम किया था, मेरे को भी फील हो रहा था कि थोड़ा सा फैट बढ़ा हुआ है, मुझसे किसी सज्जन ने बोला था कि सर ये आपके जो प्रोडक्ट है काम नहीं करते, तो मैंने उनको बोला था कि सर मैं बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हमने उनको दिया और काफी रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो शायद हमारे साथ एक लीडर और कनेक्टेड है, आशा सैनी जी, तो मैं सजेस्ट करूँगा आशा जी अपना माइक ऑन करें और वो अपना इंसिडेंट बताएं कि उन्होंने वेस्टीज कैसे शुरू किया, क्यों किया उन्होंने वेस्टीज। आशा सैनी हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ आशा सैनी और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। वेस्टीज मैंने एज ए यूजर ज्वाइन किया था और वेस्टीज में आने से पहले मुझे 2 साल से बैक में पेन था और आज मैं ठीक हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे ग्रेट सर कमल जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और वेस्टीज में आने से पहले 2 साल से बैक में पेन था, उसके लिए मैंने हर जगह से दवाइयाँ ले ली थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उसके बाद भी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। और उसके लिए मैं 1 महीने जयपुर एडमिट रही हूँ और हमारे यहाँ झुंझुनू के हॉस्पिटल में भी और हर जगह से दवाइयाँ ले ली, फिर भी आराम नहीं आया और बहुत ही ज़्यादा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। और उससे यहाँ के सब प्रोडक्ट यूज करने से पहले मुझे रोज इंजेक्शन लग रहे थे, तब जाके कोई नींद आती थी, मुझे इतना दर्द होता था। फिर उसके बाद मैं यहाँ नोएडा आई गोवा के यहाँ, तो सर से मिली और सर ने मुझे ये सब सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोला तो मैंने मना कर दिया पहले, तो फिर सर ने मुझे ज़बरदस्ती दिए, बोला कि अगर आपको नई रिजल्ट आए तो कोई नहीं आप ले, ये मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से।
उसके बाद मैंने लेना स्टार्ट किया धीरे धीरे, तो 10-15 दिन 20 दिन तो कुछ आराम नहीं मिला। फिर 1-1.5 महीने मैंने रेगुलर लिए तो मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर मैंने 6 मंथ यूज किया और अभी पूरी तरह से ठीक हूँ। उसके बाद अब धीरे धीरे मैं लेती रही और अभी मैं अभी बिल्कुल दर्द नहीं होता और एकदम से फिट हूँ मैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, अभी आशा जी ने फिर अपना बिजनेस शुरू किया और आज ब्रांच डायरेक्टर के लेवल पे हैं और अभी हो सकता है इस मंथ वो अपनी टीम में भी एक ब्रांच डायरेक्टर निकाल रहे हैं। और ये सिर्फ हुआ है ओनली और ओनली या तो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, या अगर जैसे हमने किसी को बताया तो सामने वाले ने बिलीव किया। और जैसे भी आशा जी ने बोला कि देखिए होता क्या है, अगर कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में फंसा होता है और वो बहुत टाइम से यूज कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो विश्वास है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। उस केस में क्या होता है कि वो लोग फिर इस चीज को जो है अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि हम इसको करें। और अगर हमने यूज किया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें कंफर्म होता है। जैसे मैंने उस आशा को बोला भी था कि भाई आप एक बार यूज कीजिए, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप कहीं और से ठीक हुए या नहीं, लेकिन आप हो जाएंगे। अभी एक और सज्जन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनका मैसेज आया हुआ है, उन्हें कहीं जाना पड़ा अचानक। मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा, एक शख्स है, मैंने पहले भी शायद आप लोगों के साथ शेयर किया है, मिस्टर नारद नाम है उनका, और दादरी के पास तिलपता गांव पड़ता है, वहां पे वो जॉब करते हैं। उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी पिछले करीब 8-10 साल से, वो काफी हॉस्पिटल्स में एडमिट हो चुके थे, 8-10 दिन 15-15 दिन रहे लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। मैंने उनको लॉकडाउन से पहले देना शुरू किया था और इवन आज भी मैं उधर गया था, तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो ये है कि वो शख्स सिर्फ अपने आप को ठीक कर रहे हैं, 80% वो ठीक हो चुके हैं। और अब उस ठीक होने का रिजल्ट ये है कि कल उनके पास दो सज्जन आए थे और उन्होंने उनसे बोला था कि भाई आप ये बताइए कि आप कैसे ठीक हुए, और फिर उन्होंने उनको बताया जी ऐसे ऐसे हैं, एक सर हैं कमल सर, उनसे हमने लिया है। और आज स्थिति ये है कि मंगलवार को उन्होंने हमें बुलाया है दोबारा और हम उन लोगों का भी ट्रीटमेंट करेंगे और वो भी 100% ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ 2-3 और लोगों को उन्होंने भेजा। तो देखिए मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर कोई, देखिए एक चीज थोड़ा पहले ये बोल जाऊंगा, अगर कोई किसी के घर में कोई डॉक्टर्स है तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मेरे घर में भी डॉक्टर्स है, मेरा भतीजा भी MBBS है और मामा जी का लड़के हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, मौसी जी के लड़के हैं, तो काफी लोग हैं। तो मैं किसी डॉक्टर के लिए किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए होता क्या है, जो आपकी एलोपैथी है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें सिर्फ क्या होता है, वो रिलीफ देता है, या आप अगर देसी भाषा में बोले तो वो प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए दबाता है लेकिन प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करता। लेकिन जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद के अंदर एक पावर होती है कि वो जड़ पे जाके काम करता है और वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको वो 100% खत्म कर देता है। अब जैसे आपने सुना होगा पहले जो पर्सन होते थे हम लोगों से पहले, उनकी एज ज्यादा होती थी, हाइट ज्यादा होती थी, वेट ज्यादा होता था और वो 100-200 नॉर्मल सी एक एज होती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा खाते पीते थे। आज की डेट में क्या है कि बहुत चीजों के साइड इफेक्ट्स हैं, काफी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि उन केमिकल्स के हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों की हाइट बहुत कम होने लगी है, बहुत जल्दी दमास्थमा की प्रॉब्लम आने लगी है। और अगर आप देखें तो एक बच्चा जो है उसकी स्टार्टिंग ही हॉस्पिटल से होती है तो उसे क्या उम्मीद आप करेंगे, वो कंटिन्यू इस तरीके से उसे, यानी छोटे छोटे बच्चे को इतने हैवी इंजेक्शन देने शुरू कर देते हैं, जबकि आयुर्वेद भी एक चीज बोलता है कि गाय का दूध या आयुर्वेदिक चॉकलेट पाउडर आप एक बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको स्टार्टिंग में इतने डोजेस देने शुरू कर देते हैं कि उसका खाना पीना वो सारी चीजें नहीं चलती। दूसरा, आज की डेट में जो हमारा खाना पीना कहीं ना कहीं उसमें विटामिन प्रोटीन्स की कमी है, इस वजह से भी हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारा मानसिक विकास है उस पर थोड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा, हमारे आसपास बहुत ऐसी चीजें हैं जैसे मोबाइल टावर्स, उनके सिग्नल्स वर्क करते हैं, मोबाइल फोन हर घर में है, हम लोग भी मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये भी कुछ रेडिएशन निकालता है, तो इसके भी हमारी हेल्थ पे कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं।
जैसे अगर आप लोगों ने सीएनटी देखी होगी हमारी, जो हम आपको बताते हैं, तो उसमें एक चीज है, इन चीजों को हम नहीं छोड़ सकते, इनके बीच में हमें जिंदा रहना है, इन्हीं को हमें यूज करना है। सब्जियां आप लेते हैं उसमें केमिकल्स हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को फिट रखें सकें। तो उसका सॉल्यूशन है आपका कि आप हेल्थ सप्लीमेंट्स आप लोग यूज कीजिए। पहले हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जरूरत है। और अगर आप बात करें कोरोना जैसी महामारी में, इस टाइम क्या हो रहा है कि कोई मेडिसिन नहीं है आपके सामने, और सिर्फ एक ही चीज बोली जा रही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कीजिए। अब इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम होता है रोग से लड़ने की शक्ति। अब जैसे यहाँ कई ऐसी चीजें थी, जैसे उषा जी ने बोला कि मेरे को बुखार हो जाता था, तो होता क्या है कि आपके खाने पीने में क्या है कि वो चीजें नहीं मिलती, और आपका जो रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो आपकी थोड़ी कमजोर होती है। और जब मौसम चेंज होता है तो कहीं ना कहीं वो और भी वीक हो जाती है, और वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और हम बीमार पड़ जाते हैं। इस चीज का सॉल्यूशन यही है कि आप इन सप्लीमेंट्स को यूज करें। अभी मैं आप सभी को सजेशन करूंगा, आपकी कोई भी एज हो वो फर्क नहीं पड़ता, मेरा सजेशन है कि आप सभी देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी लगेगा कि शायद ये लोग, लेकिन आप जो है देखिए, ये वो चीजें हैं, हम इसलिए इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड हम इसको रखने वाले हैं, और बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन भी आपको मिलने वाला है, यूट्यूब पे भी। देखिए ऐसा होता है, किसी भी शख्स का जो बिजनेस है, जो प्रेस्टीज बिजनेस है, ये दो तरीके से इम्प्रूव होता है। फर्स्ट, आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं और आप लोगों को बताते हैं। सेकेंडली, ये भी होता है कि आप सबसे पहले अपनी शॉप चेंज करें, उसके बाद आप जो इसने आपको बताया आप उस पर बिलीव कीजिए, और आप लोगों को बताना सीखिए, खुद भी यूज कीजिए। जैसे कई बार ऐसा हुआ, उषा जी के साथ हम गए थे इनके गांव, और इनके नाना जी के यहाँ, जहाँ इनके मामा जी की लड़की है आशा सैनी, तो जब भी जैसे सुबह खाना खाया तो उसके बाद मैं कुछ सप्लीमेंट्स लेता था, मैंने सप्लीमेंट साथ में रखे हुए थे, कभी कुछ दोपहर में भी, कुछ शाम को भी। तो कई बार अगर कहीं बैठे होते तो गलती से वहां जैसे पानी आया और मैंने अपने सप्लीमेंट निकाले और उनको ले लिया, तो वो लोग पूछ बैठते थे कि ये क्या है। मैंने कहा जी आप भी ले सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हम बीमार होंगे तभी तो लेंगे। तो मैं बोलता था कि क्या आपको मैं बीमार लग रहा हूँ कि नहीं। ये वो चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर विटामिन प्रोटीन्स की पूर्ति करते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन प्रोटीन्स प्रॉपर होगा तो हमें बीमारी होगी ही नहीं। अब जैसे आप लोग बीमार पड़ते हैं, कई बार डॉक्टर बोलता है जी आप अनार खाइए, आप पपीता आप खाइए, या आप एप्पल आप खाइए, वो क्यों बोलता है? उस विटामिन प्रोटीन की आपके शरीर में कमी होती है। या कोई जूस आपको बोलता है जी आप मौसमी का जूस पीजिए, वो इसलिए नहीं बोलता है कि आप खाना मत खाइए। और कई ऐसे डॉक्टर्स में जो बोलते हैं कि भाई अगर आप बीमार हैं तो भी आप खाना खाइए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी कम हो जाएगी, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो इन चीजों से भी फर्क पड़ता है जब कोई शख्स देखता है। कई बार क्या होता है, गौतम बाली सर ने भी एक ट्रेनिंग में एक बार कुछ लोगों ने क्वेश्चन कर लिया कि सर ये अगर कोई 8-10 सप्लीमेंट ले लेगा, तो उन्होंने एक साथ करीब 30 या 32 सप्लीमेंट लिए थे, उन्होंने उनको एक साथ पानी के साथ लिया, और करीब 1.5 घंटे उन्होंने लगातार ट्रेनिंग दी। एक ट्रेनिंग में मैं भी था जहां उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू की, और करीब 30-35 सप्लीमेंट उन्होंने इकट्ठे किए और उनको एक साथ लिया, और करीब 1 घंटे उन्होंने खड़े खड़े ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा कि देखिए अगर कोई साइड इफेक्ट होता है वो मेडिसिन का होता है, किसी भी फल फ्रूट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप आजकल लोग आम खा रहे हैं, आप एक आम एक्स्ट्रा खा लीजिए, आपको क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ओवर हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। और जड़ी बूटियां एक ऐसी चीज है कि अगर ये आपकी बॉडी में एक्सीड होती है तो ये आपके टॉयलेट के रास्ते बाहर चली जाती है, लेकिन ये आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट कभी भी नहीं करती। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं 100% नो साइड इफेक्ट है। आज भी हमारे पास 2-3 लोगों के नए आए हैं जिन्होंने, जिनको काफी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, और मैं आपसे वादा करता हूँ, हो सकता है आप में से एक दो किसी को पता भी होगा जिन्होंने भेजा है, मैं आपसे सीधा वादा करता हूँ आप आज या कल से शुरू कराइए, 6 महीने में वो 100% ठीक हो जाएंगे। आप मुझे हर महीने आप मुझे प्रोग्रेस बताइएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर वो फिट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स का बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरा, कई चीजें होती है, देखिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग एज में है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है,
और अगर थोड़ा ज्यादा उस पर है तो उतना ही थोड़ा सा ज्यादा उसको टाइम लग जाएगा, यानी जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से उसको सॉल्यूशन मिलता है। इसी के साथ साथ और भी हमारे पास कई रिजल्ट्स हैं, जैसे हमारे एक साथी हैं, उनके पापा को भी हार्ट का इश्यू था, उनको फ्लैक्स ऑयल दिया गया और फ्लैक्स ऑयल से उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। इसी के साथ साथ देखिए कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली फिट रहे तो कुछ कॉमन चीज़ें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपको अपने घर का जो तेल है वो सबसे पहले आप लोगों को बदलना चाहिए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पेट, वो सही रहना चाहिए। उसके लिए हमें क्या सबसे पहले चेंज करना होगा, अपना खाने का तेल। आप यहाँ का राइस ब्रैन ऑयल आप यूज कीजिए, जो आज की डेट में बहुत डिस्काउंट पे भी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 4 राइस ब्रैन ऑयल लेंगे तो एक आपको फ्री मिल जाएगा, क्योंकि अभी 25% डिस्काउंट एक्स्ट्रा चल रहा है जो 31 मई तक है ओनली, या स्टॉक लास्ट। अगर स्टॉक आपका 28 को भी खत्म होगा तो 28 के बाद आपको शायद नहीं मिल पाएगा, तो आप जल्द से जल्द आप उसको ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आप सेकेंड चीज आप चेंज कीजिए, अपने घर में चाय पत्ती चेंज कर दीजिए। चाय पत्ती एक ऐसी चीज है जिसमें निकोटीन होता है, जो दूसरी कंपनीज के, मैं ये आपको बता रहा हूँ, और उसमें क्या होता है वो गैस बनाती है और भूख को मार देती है। लेकिन वेस्टीज की जो टी है वो एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसके अंदर क्या होता है ना तो आपकी भूख को मारती है और ना ही आपकी बॉडी के अंदर गैस बनाती है। इसमें क्या होता है, अगर आप एक कप चाय आप पियेंगे तो 4 संतरे गिलास के जूस एनर्जी आपको मिलेगी। अब बहुत लोगों का ये कहना होगा कि भाई ठीक है सर, आपने बताया जी सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हम बीमार हैं तो हम सप्लीमेंट क्यों लें। तो उसमें मेरा एक आप सभी से क्वेश्चन होगा कि आप लोगों में से हो सकता है 99% लोगों के दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक छोटे बच्चे के दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसको डेली पेस्ट कराते हैं। और पेस्ट जो होता है वो इसलिए कराया जाता है कि फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम ना हो, और वो चीज आप लगातार कर रहे हैं। कुछ लोग एक बार करते हैं, कुछ लोग दिन में 2 बार भी पेस्ट करते हैं, सुबह और शाम। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि जी मेरे दांत ठीक है मैं क्यों करूं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए है क्या, अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैंने बाइक ली, अब बाइक से अगर मैं कहीं पे जाना चाह रहा हूँ तो जगह जगह बोले जाता है आप हेलमेट भी आप लगाइए, आपको ब्रेक और क्लच कब यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आप यूज करेंगे, आप हेलमेट भी आप वियर करेंगे, या आप गाड़ी में जा रहे तो आपको सीट बेल्ट भी आप लगाएंगे, आज डेट में अगर आप मास्क भी लगाएंगे तो आप बचे रहेंगे। अगर आप मास्क लगा के नहीं जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आज जो महामारी है वो आपको हो सकती है। आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो अगर आप बाई चांस गिर जाते हैं तो आपको चोट लग सकती है, आपके सर में दिक्कत आ सकती है। उसी के साथ साथ अगर आपको यही पता नहीं है क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, तो आप जहां क्लच दबानी होगी आप ब्रेक दबा देंगे, या जहां पे ब्रेक लगाना होगा आप रेस दे देंगे। तो किसी भी चीज के बारे में सिर्फ इसलिए बताया जाता है, इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है कि फ्यूचर में हम सेफ रहें। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में बीमार ना हो तो आपको आज ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे बोला जाता है आपका जो भविष्य है वो आपके वर्तमान पे डिपेंड करता है, और जो आज आपका वर्तमान है वो आपके पास्ट पे डिपेंड करता है। अब जैसे बहुत से लोगों को आपने सुना भी होगा कि मैं अपना फ्यूचर बदल सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइम मशीन है वो फ्यूचर में जाके बदलेंगे, नो, वो अपने प्रेजेंट को अच्छा करते हैं और वो अगले 50-100 साल का सोच के चलते हैं, तो वो अपने फ्यूचर को चेंज कर लेते हैं। आज आपकी क्या परिस्थिति है वो आपका पास्ट था, पास्ट को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन फ्यूचर को आप बदल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है पूजा जी, पूजा जी अगर मैं बात करूँ, ये एज ए यूजर काम कर रही थी, ये हाईली क्वालिफाइड है, बीएड इन्होंने किया हुआ है कंपटीशन के थ्रू, और फ्री सीट में इनका नंबर आया था, इन्होंने बीएड कंप्लीट किया और बहुत ही रेप्यूटेड प्राइवेट एक बहुत अच्छे सीबीएसई बेस्ट स्कूल के अंदर ये टीचर है निवाई टोंग के अंदर। उसी के साथ साथ जब इन्होंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, तो घर के प्रोडक्ट यूज किए, चाय पत्ती तेज साबुन ये सारी चीजें, तो इनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं था, नॉर्मली थोड़ा कम होता भी है, तो इनको थोड़ा सा बॉडी में क्या था कि थोड़ा नींद या आलस टाइप रहता था, और ये लगता था कि जैसे कुछ लोग बोलते भी थे जी आप ओवरवेट हैं और आप कुछ कीजिए तो या आप कर नहीं सकते, तो इनको ये लगता था कि हम कभी नहीं कर पाएंगे।
लेकिन जब एक विश्वास के साथ हमने बताया कि आप इसको प्लीज ट्राई कीजिए, आज अगर आप बात करें तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है। सुबह मुझे लगता है हमारी एक ट्रेनिंग होती है सुबह 5:30 बजे, मिस्टर राजीव शर्मा सर करते हैं, और मैं ये देखता हूँ कि पूजा सैनी का गुड मॉर्निंग सर मैसेज जो है नॉर्मली 5 बजे शायद मेरे पास आ जाता है। यानी वो 5:30 की ट्रेनिंग में 5 बजे उठते हुए एकदम प्रॉपर पूरा उस ट्रेनिंग को लेती है, उसको सीखती है। पहले इनको एक ये भी थोड़ा दिक्कत थी, ये क्या था कि अगर ये किसी चीज को सुनती समझती थी तो ये थोड़ा सा उसको भूल जाती थी, यानी ज्यादा टाइम तक चीजें थोड़ा कम याद रहती थी, और कई बार लोग बोल भी देते थे, और ऐसा होता भी अगर किसी में कोई थोड़ी बहुत हमें कमी दिखती है तो उसके लिए हम बोल देते हैं। हमने इनको मेटामाइंड सजेस्ट किया जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। देखिए 12 साल से ऊपर का जो भी शख्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके माइंड में प्रॉब्लम है, 12 साल से ऊपर का कोई भी शख्स है किसी भी एज का, उसको मेटामाइंड यूज करना चाहिए। मैं भी डेली यूज करता हूँ, आप इसको यूज कीजिए। चॉकलेट का टेस्ट है इसका, और ये च्युइंगम है, च्युएबल है, यानी हमें इसे अंदर नहीं लेना है, बस अपना माउथ में रखना है, आहिस्ता आहिस्ता ये पिघलती चली जाती है। आप देखेंगे जब आप इसको यूज करेंगे तो 1 महीने बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, चीजें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी, और अगर आपको ट्रेनिंग मीटिंग कुछ भी आप लेंगे तो बहुत तेजी से आपके माइंड में एक्सेप्ट हो जाएगा। कुछ इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं एज के अकॉर्डिंग या चीजों को भूलने लगते हैं, आप प्लीज उनको दीजिए। अब जैसे उषा जी की मदर है, उनको हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है, और जब कुछ लोगों को ऑपरेशन से ऐसी चीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो उनको शायद भूलने की थोड़ी दिक्कत हो गई थी और थोड़ा सा उसी वजह से चिड़चिड़ापन हो गया था, क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर फैमिली वाले करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कई बार लोगों को लगता है कि क्या मेरे अंदर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी जो ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि उनको मेटामाइंड देना शुरू किया, आज में बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप, आपका परिवार, आपके यार दोस्त, सबसे पहले देखिए आप खुद और आपकी फैमिली, इनको आप फिट कीजिए, और जब आप लोग फिट हो जाएंगे तो 100% आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा, और आप यहाँ से बहुत अच्छी इनकम भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमारी कंपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम करती है। आप यहाँ के प्रोडक्ट यूज कीजिए, अच्छे लगते हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं, या अगर आप खुद यूज करेंगे, आपको कोई हेल्थ इश्यू है या आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यू, अगर वो ठीक होगा तो वो ऑटोमेटिक बोलेगा, यानी रिजल्ट ऑटोमेटिक बोलेगा, लोग ऑटोमेटिक आपसे क्वेरी करेंगे। मेरा सजेशन है आप सभी इन चीजों को कीजिए, और अभी कुछ हमारे साथी कनेक्ट नहीं हो पाए जिनको बताना था, तो हो सकता है सैटरडे या उसके बाद या नेक्स्ट वीक फिर इस तरीके का एक सेशन होने वाला है, और इससे कुछ न्यू पर्सन आपके सामने होंगे जिन्होंने इसको यूज किया है। अब एक चीज और आप देखिए, इन सभी ने जो तीनों आपके सामने एग्जाम्पल थे, इन्होंने तीनों ने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एज ए यूजर शुरू किया अपने हेल्थ इश्यू को ठीक करने के लिए। आज अगर तीनों की बात करें तो आशा जी डायरेक्ट ब्रांच डायरेक्टर, पूजा जी ब्रांच डायरेक्टर, उषा जी गोल्ड डायरेक्टर। अगर उषा के अचीवमेंट की मैं बात करूं तो फुल टाइम वेस्टीज में है, जो इनको सैलरी से इनकम मिलती थी उससे ज्यादा इनकम आज इनको वेस्टीज से हर महीने आती है। पिछले 4 महीने में शायद 2 या 3 दिन घर से बाहर निकले हैं, वो भी अभी शायद जल्दी में, अदरवाइज ये अपने घर पे हैं और इनको इनकम आ रही है। अगर पूजा सैनी जी की बात करूं तो जितना उनको सैलरी मिल रही थी स्कूल से, अभी लॉकडाउन के बाद से अप्रैल मई जून और अब जुलाई चल रहा है, स्कूल ने 1 रुपया पेमेंट नहीं किया है, 1 रुपया। और आप देख सकते हैं अब उनकी जो इनकम है वो उनकी सैलरी को क्रॉस करने वाली है, लगभग शायद बराबर है, 100-300 रुपए का अंतर है, लेकिन वो और तेजी से बढ़ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि पूजा जी अब जॉब करने जा पाएंगे, क्योंकि जब आप एक अच्छा रेस्पॉन्स आप देखते हैं, आप एक बहुत टेंशन फ्री लाइफ आप देखते हैं, और आप लोगों की मदद कर सकते हैं और एक अच्छी रेस्पेक्टेबल इनकम भी आपको मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और ऑप्शन होता है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इन चीजों को कीजिए। मुझे कुछ और लोगों को बुलाना था वो यहाँ पे है, लेकिन हमारा जो टाइमिंग था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें 7 से 8 ही हमें अपनी बातों को कंट्रोल में रखना है, तो नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द हम आपके साथ दोबारा होंगे।
कल का जो टॉपिक है वो आप सभी को पता होगा, उसके अकॉर्डिंग कल आपकी ट्रेनिंग होगी। और आप में से किसी को कोई भी हेल्थ इश्यूज है, आप प्लीज आप अपने सीनियर अपलाइन या उषा जी या मुझे या रजनीश सर, आप प्लीज किसी को भी आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे 101% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मुझे 3 साल से ज्यादा हो गया है इस चीज के अंदर और अभी तक शायद ही कोई ऐसा शख्स है जो ठीक नहीं हुआ। देखिए हमारा ये होता है कि अगर हम आपको कोई प्रोडक्ट देते हैं तो हमारा मानना है कि हम आपको प्रॉपरली ठीक करें। यहाँ पे बहुत चीजें हैं जो हाइट बढ़ाने के भी ऑप्शंस हैं, उसके हमारे पास बहुत ही जल्द है। नेक्स्ट टाइम हम आपको वो चीजें भी आपके सामने हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाएंगे। मेरे अपने घर में, मेरे बच्चों में भी रिजल्ट है, बाहर भी हमने बहुत लोगों को दिया है। हाइट वो अपनी गेन कर रहे हैं, अब अपनी हाइट को वो लोग बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल थायराइड के हमारे पास सॉल्यूशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज का, कुछ लोगों की नसेस ब्लॉक थी वो यहाँ पे खुल चुकी है। तो अभी हमारे काफी लोगों को हम बोलते जा रहे हैं और जैसे जैसे वो लोग कनेक्ट होते जाएंगे, हो सकता है किस दिन स्पेशल भी हम आपको ना बोले, लेकिन जैसे ट्रेनिंग होगी तो हो सकता है अगर वो कनेक्ट होंगे उस दिन आपके सामने हम उनकी बात रखवा देंगे। तो हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप लोग भी इनको यूज कीजिए। देखिए अगर कोई इंसान, कई बार क्या होता है लोग बोलते हैं कि जी यहाँ से इनकम कैसे आएगी, अब मैं एक चीज बोलता हूँ आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं और ये सभी आपस में रिलेटिव है सभी, ठीक है। पूजा की अगर मैं बात करूँ तो उषा जी की बुआ की लड़की है, सगी बुआ की लड़की, और आशा सैनी जो है वो उषा की मामा जी की लड़की है। तो जब किसी को रिजल्ट मिलता है तो लोग आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, उसी तरीके से आपका बिजनेस भी यहाँ पे बिल्ड करेगा। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप ठीक हो जाते हैं, आपके घर में कोई बीमार नहीं है, उसकी मेडिसिन आपको नहीं चलानी पड़ रही है, आपको हेल्थ इश्यू नहीं हो रहा है, आप लोग परेशान नहीं हो रहे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं हो। और फिर जब सब ठीक होते तो ऑटोमेटिक सभी लोग इस फैमिली बिजनेस में आ जाते हैं और सभी इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर देते हैं। ये सभी के साथ हो रहा है, आपके साथ भी होगा। आप लोग इस बिजनेस को बढ़ाइए, ये एक बहुत हेल्दी फैमिली है, बहुत अच्छा परिवार बनेगा। और आप सभी अपने आप को फिट कीजिए, अपनी फैमिली को फिट कीजिए। और मेरा यही सजेशन है कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अगर आप इन दोनों चीजों को जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, अपनी शॉप आप लोग चेंज कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप सभी इन टाइम इन चीजों को कंप्लीट कीजिए और बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके साथ उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। रजनीश सर क्या आप हैं अभी? ओके, देखिए रजनीश सर को थोड़ा आज काम था तो सर ने बोला था कि वो शायद म्यूट रखेंगे। तो सर आप सभी को थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। 8 बजे तक का टाइम था, 7:58 पे हम आपको फ्री कर रहे हैं, 2 मिनट आपके बच चुके हैं। तो मैं आप सभी का थैंक्स देना चाहूँगा, आपने टाइम दिया और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कीजिए, 100% आप यूजर बनिए। कोई भी हेल्थ इश्यू है आप उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग खुद यूज कीजिए, अगर आप हेल्दी भी हैं, आप फिट हैं तो भी आप इसके प्रोडक्ट को यूज कीजिए जिससे आप हमेशा फिट रहें। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। हेलो रजनीश सर। जी सर मैं आ गया। अरे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। तो मैं अभी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, लेकिन मुझे आशा है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी सबको। जी सर बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है, अब इसकी एडिटिंग होके सर्कुलेट हो जाएगी। तो जी सर बस अब मैं सबको कहना चाहूंगा कि कल सैटरडे ऑफ है मीटिंग्स का, आप संडे की तैयारी करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए और सीरियसली ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है। और इस बार सारे रिकॉर्ड हो गए, कंपनी भी आप सबके साथ है। 25 तारीख कंसिस्टेंसी की भी हो गई है एक्सटेंड और रीपर्चेज स्कीम की भी एक्सटेंड हो गई है। जम के बिजनेस करिए और संडे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखते। जी सर चलिए, तो फिर आप संडे को मिलते हैं, बाकी कल को
वैसे मीटिंग नहीं है लेकिन वन टू वन आप कराते रहिए और एक अच्छा सा बिजनेस इस बार इस महीने को अच्छे से बिजनेस के साथ क्लोज करिए। देखिए सर, इस मंथ तो कंपनी खुद अच्छा सपोर्ट कर रही है, अभी रीपर्चेज स्कीम 25 तक हो गई है और कंसिस्टेंसी भी है, तो आप सभी उसका प्रॉफिट लीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। यस सर, इसको कंप्लीट कीजिए। जी सर, तो थैंक यू ऑल, विश यू वेल। थैंक यू सर, विश यू वेल।